तीसरे चरण के बाद ही आखिर तय होगा जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूँ आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ है जेकेपीसीसी के प्रधान यानी जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा जी। तारिक हमीद कर्रा जी, पहले सबसे पहले तो आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। तो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो 10 साल के बाद में अगर हो रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से हो रहे हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीजेपी इन इलेक्शंस के वास्ते दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बिकॉज जो जिस तरीके से वो पूरी स्टेट को चला रहे थे, दिल्ली से चला रहे थे, नॉर्थ ब्लॉक में एक छोटे से कमरे में छोटे से टेबल पे छोटा सा ऑफिसर बैठ के पूरी जम्मू कश्मीर को चला रहा था, एंड दैट वॉज द बेस्ट सूटेड सिचुएशन फॉर देम। बट फॉर हैंड्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन, जिनकी वजह से आज ये इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें लोगों को भरपूर पार्टिसिपेशन करके इसके जो रियल रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं वो सामने आए। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त होने के बाद भाजपा के ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ विकास नजर आए, क्या कहेंगे इस पर? जुमला ही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो तो जुमले पहले खुद से कहते हैं फिर बाद में कह देते हैं कि हाँ ये जुमला था। देखिए, ये रिटोरिक्स है और कुछ नहीं है। रिटोरिक्स में बीजेपी ने अभी तक जितनी भी बातें कही हैं, रिटोरिक बातें, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने, जहां तक विकास का ताल्लुक है, अभी भी वो UPA 1 और UPA 2 के कामों के रिबन काट रहे हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट तो ओवरनाइट कंप्लीट होते नहीं है। एक तो उनके कामों की वजह से स्लो हो गए वो, और अभी वो उसका रिबन काट रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये जो पैरट टॉकिंग वो कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि लोग उस चीज के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। इट्स जस्ट एन आई वॉश, नथिंग एल्स। आतंकवाद की बात करें सर, देखा गया था पहले कश्मीर घाटी में आतंकवाद देखा गया था, लेकिन अगर अब की बात करें तो जम्मू में आतंकवाद जो है वो दिन ब दिन नजर आ रहा है, क्या कहेंगे, किसके लिए, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? डबल इंजन सरकार तो ये बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं, जहां कहीं पे भी बीजेपी की स्टेट में सरकार है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन सरकार से सब कुछ, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, हो गई हैं। तो वैसे ही डबल इंजन सरकार यहां पे है, और अगर उसका डायरेक्ट इसके जिम्मेदार है तो वही डबल इंजन सरकार है। देखिए, अभी तक जम्मू डिवीजन स्पेशली पीर पंजाल साइड जो था वो फ्री ऑफ मिलिटेंसी था, और वर्स्ट टाइम्स में भी, जिस वक्त कश्मीर में वर्स्ट टाइप ऑफ मिलिटेंसी थी, उस वक्त भी जम्मू डिवीजन कंपैरेटिवली बहुत ही काम एंड क्वाइट था। और अब अगर आप देखेंगे तो वो गोल पोस्ट फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू जो शिफ्ट हुआ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक ऐसे ऐसे स्ट्राइकिंग अटैक्स हो रहे हैं कि जिसमें हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और हर स्ट्राइक जो है वो पॉइंटेड स्ट्राइक होता है। दैट मीन्स कि जो इंटेलिजेंस ग्रिड है वो भी कोलैप्स हो चुका है यहाँ पे। अदरवाइज ऐसे इंसिडेंट्स होना कोई ये छोटी बात नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके वास्ते जिम्मेदार है। कर्रा जी, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि देश भर में भाजपा जो है और साथ ही आरएसएस नफरत फैला रही है पूरे देश भर में, क्या कहेंगे इस पर? आपको नहीं लगता नफरत फैला रही है? नफरत ना फैलाई होती तो आज ये सिचुएशन ना होती। आज बीजेपी अगर खड़ी है या सरकार में है तो वो उसी डिविसिव पॉलिसी की वजह से है। जम्मू कश्मीर तो एक फ्लावरिंग डेमोक्रेसी के साथ साथ एक होप थी, एक मॉडल स्टेट थी ये पूरे कंट्री के वास्ते, और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें रे ऑफ होप लगती है कहीं तो वो जम्मू कश्मीर में लगती है, जिस वक्त पार्टीशन हुआ था। रहा सवाल पूरी कंट्री का, आप तो देख ही रही हैं कि जब से 2014 से वो आए हैं, मंदिर मस्जिद की सियासत पे लोगों को बांटना, शमशान और इस पे कब्रिस्तान के नाम पे बांटना, खान पान के नाम पे बांटना, अपने जो कपड़े पहनने के स्टाइल पे बांटना,
तो ये सारी चीजें जो है ये तब होती हैं जब आपके पास इश्यूज ना हो, जब आप इश्यूज से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, जब आप सरकार चलाने फेल हो जाए सरकार चलाने में, तो आप मजहब का इस्तेमाल करें, और वही हो रहा है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में अलायंस गवर्नमेंट बनेगी? बिल्कुल बनेगी, लोगों ने उसी वास्ते वोट किया है, और आई एम हैप्पी कि जो अलायंस का एक स्पिरिट होता है वो बड़ा स्ट्रांगली ग्राउंड पे भी देखने को मिल रहा है, कश्मीर में भी रहा, अभी हम जम्मू में हैं, जम्मू डिवीजन का हमने देखा कि यहाँ पे भी अलायंस का जो स्पिरिट है वो अच्छा है। बेसिकली ये अलायंस दो पार्टीज का अलायंस नहीं है, ये लोगों का अलायंस है। ये इट वॉज समथिंग विच पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वॉन्टेड, कि एक ऐसा अलायंस हो जो यहाँ की डिविसिव फोर्सेज को मिल मिला के हटा दे यहाँ से, ताकि वो पावर कॉरिडोर्स में ना आ सकें। तो मेरे हिसाब से जो लोगों की इच्छा थी, जो लोगों की ख्वाहिश थी कि सेक्युलर फोर्सेज को जमा करके डिविसिव फोर्सेज को यहाँ से हटाया जाए, कामयाब रहा। जिस तरह से कल थर्ड फेज के चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि दो फेज से देख के जो सामने नतीजे आ रहे हैं वो ये है कि सरकार अलायंस की बनने वाली है, और थर्ड फेज में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इस जो सरकार बनी है उसको फर्दर स्टेबल और फर्दर स्ट्रेंथन करने के वास्ते वो जो ट्रेंड है फर्स्ट टू फेजेस की उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ताकि एक मजबूत स्तर सरकार बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हमीद कर्रा जी, आप द न्यूज नाउ को आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ, नमस्कार।